नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन के दूसरे चक्र में सांसद रितेश पांडे का पुतला फूंका गया। अंबेडकर नगर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए स्थानीय सांसद का पुतला फूंका गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अली हसन के नेतृत्व एवं बहुजन मुक्ति पार्टी तथा अनेक सामाजिक संगठनों के समर्थन से हजारों कार्यकर्ता सरकार के द्वारा किसान हितैषी बताकर लागू किए गए कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य अध्यादेश किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए बनाए गए अध्यादेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन अध्यादेश का विरोध करते हुए इससे किसानों के विरुद्ध बता रहे थे। उक्त धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अली हसन ने कहा कि वर्तमान की सरकार किसान एवं गरीब विरोधी है। अगर उक्त तीनों अध्यादेश सरकार वापस नहीं लेती तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे देश में चक्का जाम करने को बाध्य होगा। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी गौतम ने अपने प्रबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र शासित सरकार ईवीएम के द्वारा चुनी हुई है, इसके कारण उसे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को लागू करती है। जिला अध्यक्ष ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आ जाएगी, हम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों आयोग का गठन करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।